हेलो गाइस, आई एम अभय एंड यू आर वाचिंग टेक्नल टेक। तो हमारे पहले न्यूज है ओप्पो कंपनी की तरफ से। ओप्पो का ब्रांड न्यू स्मार्ट से भी स्मार्टफोन ओप्पो H2। फ्रेंड्स, ओप्पो H2 चाइना में लॉन्च हो गया है और इस फोन के स्पेसिफिकेशन सामने आ गए हैं। तो इस स्मार्टफोन में क्वाड कैमरास के सेटअप हैं। इसमें प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा दिया गया है और सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। इस फोन में 4000 mAh की बैटरी है और इसमें 65 वाट सुपर वू 2.0 फ्लैश चार्ज का सपोर्ट दिया गया है और इसमें चार्जिंग पोर्ट USB टाइप सी दी गई है। अब बात आती है इसके डिस्प्ले की। इसमें 6.5 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले है जो कि 402 PPI पिक्सल डेंसिटी और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आया है और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और इसमें गोरिल्ला ग्लास 7 की प्रोटेक्शन दी गई है। और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 बेस्ड कलर OS 7.1 के साथ आया है। इसमें 12 GB तक रैम और 256 GB UFS 3.0 स्टोरेज के साथ एक पावरफुल प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 865 दिया गया है और इस फोन में 40 वॉट एयर वूक वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। और अब बात आती है इसके प्राइस की। तो चाइना में 3999 युआन की प्राइस है और इसकी प्राइस इंडियन करेंसी में लगभग 43,200 रुपए है। ये प्राइस 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज वेरियंट की है। इसके 8 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज वेरिएंट की प्राइस 4,399 युआन है और इंडिया में लगभग 47,500 रुपए है। और 12 GB रैम प्लस 256 GB स्टोरेज वेरिएंट की प्राइस 4,599 युआन और इंडिया में 49,700 रुपए की प्राइस है। हमारी दूसरी न्यूज भी ओप्पो की तरफ से ही है। फ्रेंड्स, ओप्पो रेनो 2F में कलर OS 7 एंड्रॉइड 10 का सेकंड बैच ट्रायल वर्जन का अपडेट स्टार्ट हो गया है। आप लोग इसे डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं। हमारी तीसरी न्यूज है Xiaomi की तरफ से इसके नए UI MIUI 12 के फीचर्स के बारे में। दोस्तों, इसमें 9 नए फीचर्स दिए गए हैं जो कि बहुत अमेजिंग है। इसमें नए नेविगेशन बार और जेस्चर्स दिए गए हैं और नए मल्टीटास्किंग फीचर्स के साथ एनिमेशन भी दिए गए हैं। अब आपको कैमरे का भी UI चेंज होते हुए दिखेगा Xiaomi या Redmi के डिवाइसेज में, जिसमें ये MIUI 12 का अपडेट होगा। मैं बहुत जल्द बताऊंगा कि कौन कौन से स्मार्टफोन्स में MIUI 12 का सपोर्ट होगा। और अब परफेक्ट डार्क मोड। दोस्तों, आप जानते हैं अभी भी किसी किसी ऐप में डार्क मोड नहीं आया है और MIUI 12 का डार्क मोड फीचर्स इतना अच्छा है कि ये फोर्स करेगा एप्लीकेशंस को डार्क मोड में रहने के लिए। अब नए नोटिफिकेशन सिस्टम दिए जाएंगे और न्यू स्क्रीन टाइम, फोकस मोड और रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा और एंटी फ्लिकर मोड भी दिया गया है। अगर आपको ये सारे फीचर्स का फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट कीजिए। हमारी चौथी न्यूज है नोकिया कंपनी की तरफ से। नोकिया का न्यू अपकमिंग स्मार्टफोन नोकिया 9.3 प्योर व्यू, ये फोन फरवरी 2020 में लॉन्च होना था बट COVID-19 की वजह से रोका गया इसकी लॉन्चिंग को। इसके पहले नोकिया 9 प्योर व्यू पिछले साल लॉन्च हुआ था और रिपोर्ट के मुताबिक नोकिया 9.3 प्योर व्यू में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा हो सकता है और इसी फोन में आपको सबसे ज्यादा मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर दिया जा सकता है। और बताया जा रहा है कि इस फोन में आपको पेंटा कैमरा देखने को मिलेगा। इससे पहले नोकिया 9 प्योर व्यू में भी पेंटा कैमरा दिया गया था और उस फोन में स्नैपड्रैगन 845 SoC का प्रोसेसर है। और नोकिया 9.3 प्योर व्यू में आपको स्नैपड्रैगन 865 या स्नैपड्रैगन 855 प्लस SoC का प्रोसेसर देखने को मिले और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है और फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया जा सकता है। हमारी लास्ट न्यूज है IQ कंपनी की तरफ से इसके नए स्मार्टफोन IQ3 Neo 5G जो कि इसी अप्रैल 23 को लॉन्च होने जा रहा है चाइना में। इस स्मार्टफोन के कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आए हैं जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 SoC प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आएगा और ये स्मार्टफोन 144 हर्ट्ज डिस्प्ले और इसकी बैटरी 4500 mAh होने वाली है। इसमें 44 वाट का फास्ट चार्जिंग ऑप्शन भी दिया गया है और ये स्मार्टफोन 5G होने वाला है और इसके साथ ही एक वेरिएंट 4G कनेक्टिविटी के साथ भी आया है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।